काल में जब हम एक व्यक्ति एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में कला, संस्कृति, गीत, संगीत, प्रदर्शनियां, नृत्य समारोह, संगीत समारोह पिछले जमाने की भूली बिसरी यादें जैसी लगता है। लेकिन प्रतिभा अग्रवाल जी और प्रीति बजाज जी ने अपनी आर्ट लाइफ गैलरी के नाम को आज सार्थक किया है। उन्होंने इस काल में भी, इस कठिन काल में जो कि कलाकारों के लिए एक बहुत संकट का काल है, ये प्रदर्शनी आयोजित करके उन्होंने ये एक संदेश दिया है कि कोरोना काल में भी कला जीवित है और रहेगी। अपनी गैलरी के नाम को साकार करते हुए प्रीति बजाज जी और प्रतिभा जी ने कलाकारों को एक नया जीवन दिया है और आज उन्होंने पुणे के एक जाने माने कलाकार रामचंद्र खर्तवाल जी की एग्जीबिशन का जो प्रदर्शन और प्रदर्शनी आरंभ की है, ये उनको इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। और ये कलाकार भी बहुत जाने माने हैं और इनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो हमें हमारे बचपन में लेके जाती हैं, हमारी माँ से जोड़ती हैं। माँ की यादों को क्या केवल उनकी फोटो से ही हम याद कर सकते हैं? नहीं, माँ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी माँ को फिर से अपनी यादों में जीवित कर सकते हैं। सिलाई मशीन, जो कि एक समय था 70s, 80s, 60s में, जबकि हर घर में एक सिलाई मशीन होती थी और माँ अपने बच्चों के कपड़े खुद सिलती थी, तो माँ की याद को सिलाई मशीन से जोड़ना और उस मशीन के साथ एक बच्चा आराम से रजाई ओढ़ के सो रहा है, इसका मतलब है कि माँ की सुरक्षा में है। यानी मशीन, सिलाई मशीन जो है वो मातृत्व की प्रतीक है, माता की ममता की प्रतीक है, माँ की सुरक्षा की प्रतीक है। सो ये बहुत दिल को छू लेने वाली उनकी पेंटिंग है। और एक और उनकी जो दूसरी पेंटिंग है जिसमें कि घोड़े पर, लकड़ी के घोड़े पर एक बच्चा बैठा है। आज के युग में भले ही लकड़ी का घोड़ा बच्चों के लिए बहुत मायने ना रखता हो, लेकिन एक समय था जब हर जिस घर में बच्चा पैदा होता तो उसके 5-6 महीने के बाद एक लकड़ी का घोड़ा ज़रूर आता था जिस पर हर बच्चा सवारी करता और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने भी गाता था लकड़ी की काठी टाइप के। तो वो भी एक स्मृति है बचपन की, उस स्मृति, अपने बचपन को लकड़ी के घोड़े के माध्यम से याद करना और लकड़ी के घोड़े को अपने बचपन के प्रतीक के रूप में दिखाना, ये इनकी रामचंद्र जी की, मैं तो कहती हूँ, बहुत ही बड़ी उनकी एक कला की एक ऊंचाई और शिखर है। मतलब कलाकार किस तरह की कल्पनाओं के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकता है वो एक आम व्यक्ति नहीं पहुँच सकता, लेकिन जब हम कलाकार की कलाकृति देखते हैं तो हम उसकी कला की भी प्रशंसा करते हैं और उसकी कल्पनाओं की भी प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है कि कोरोना काल में जबकि सारी आर्ट गैलरियां बंद हैं और कलाकृतियां खरीदना भी आज के ज़माने में पिछले 6 महीने से लोगों की प्राथमिकता में नहीं रहा है, ऐसे समय में प्रतिभा अग्रवाल जी और प्रीति जी ने जो ये कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी कला को लोगों की स्मृतियों में और अपने जहन में ताज़ा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो प्रयास कर रही हैं अग्रवाल जी और बजाज जी दोनों बहनें, ये बहुत साधुवाद है। और उत्तर प्रदेश के एक शहर में जो दिल्ली से सटा है, उनकी ये जो आर्ट लाइफ गैलरी है, ये सचमुच देश के बहुत पिछड़े दूर दराज के कलाकारों को भी एक जीवन देती है और उनकी कलाओं को यहाँ लाके एक जीवंतता तो खैर कलाकार ही देते हैं, लेकिन वो कला भी क्या जिसे कोई देख ना पाए, जिसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कलाकारों की तो अद्भुत कलाकृतियाँ हैं, लेकिन उन्हें लाके जनता के सामने पेश करना, दिल्ली के लोगों को दिखाना, मीडिया के सामने लाना, ये प्रयास कोरोना काल में भी जो जारी है आर्ट लाइफ गैलरी का, वो बहुत साधुवाद का प्रतीक है और उनको मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ आर्ट लाइफ गैलरी कोरोना काल में इसी तरह कलाकारों को प्रोत्साहित करती रहेगी।